लोकसभा के दूसरे चरण में शुक्रवार को मध्य प्रदेश के 6 जिलों में मतदान हुआ। इसमें होशंगाबाद नरसिंहपुर सीट भी शामिल रही। यहां नरसिंहपुर जिले में फिल्मी कलाकार आशुतोष राणा ने मुंबई से आकर अपना वोट किया। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन शादी के लिए सागर शहर में खूबसूरत व प्राकृतिक वातावरण में स्थित होटल द हेरिटेज कन्वेंशन हमारा पता है कनेरा देव रोड सागर। वे पारंपरिक धोती कुर्ता पहनकर गाड़रवाड़ा विधानसभा के महाराणा प्रताप वार्ड बूथ पर पहुंचे और मतदान में हिस्सा लिया। बाहर निकलकर उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने अपने अधिकार का उपयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदान हमारे लिए पूर्वजों का एक वरदान है, इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। यह व्यवस्था हमारे लिए ही बनी है। मैं 1994 से मुंबई में रहता हूं, लेकिन वोटर लिस्ट में मेरा नाम जन्मभूमि गाड़रवाड़ा में ही दर्ज है। मैं हर बार आकर मतदान करता हूं। आपको एक नजर में लोकसभा क्षेत्र होशंगाबाद की 8 विधानसभाओं में हो रहे मतदान के बारे में बताते हैं। यहां 18,55,692 मतदाता हैं। चुनाव के लिए संसदीय क्षेत्र में 2,203 बूथ बनाए गए हैं। 526 बूथ क्रिटिकल हैं। 15,000 से ज्यादा चुनाव कर्मी और सुरक्षा कर्मी चुनाव कर रहे हैं। 18 से 19 साल के 61,479 मतदाता यहां पहली बार मतदान कर रहे हैं। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि हम सबको जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो लोकतंत्र का मताधिकार का जो अवसर मिला है, तो ये सर्वाधिक सबसे बड़ा श्रेष्ठतम वरदान माना जाता है। तो निश्चित रूप से आप राष्ट्र में, देश में, किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, खास करके जब ये आज की तारीख में जब मतदान हो रहा है, तो हमें इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है कि आपके द्वारा आपके लिए ही निर्मित आपका ही तंत्र है। तो इसके लिए मैं हर बार, चूँकि मैं मुंबई में रहता हूँ 1994 से, तो लगातार जब जब भी कभी लोकसभा के समय में या विधानसभा में, और हमने अपनी वोट गाड़रवारा से, ये हमारा जन्म स्थान है, मूल स्थान है, तो हमने अपनी वोट कभी भी गाड़रवारा से नहीं बदलवाई है। तो मैं कहीं भी रहता हूँ, मेरा प्रयास रहता है, और अभी तक गुरु कृपा से मेरे सारे के सारे प्रयास फलीभूत हुए हैं और मुझे वोट डालने का अवसर मिला है। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने मत के अधिकार का कहीं पर भी हो इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग करें, क्योंकि इससे आप ही आप अपने भविष्य, अपनी नियति, अपनी नीति का ही निर्माण करने वाले हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने यदि हमें स्वतंत्रता नाम का वरदान दिया है, तो इस स्वतंत्रता को बरकरार रखने का और इसे पुष्पित, पल्लवित और प्रखर करने का जो दायित्व है, वो हम लोगों के ऊपर ही जाता है। देखिए, लोकतंत्र में मतदाता जो सड़क पे, आप नेता का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं होता जो सदन में बैठे हुए हैं। नेता का अर्थ होता है आगे चलने वाला, ताने रहने की जिसके अंदर क्षमता हो, तो चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, वो अपने परिवार का नेतृत्व कर रहा है, चाहे वो शिक्षक हो, वो अपने परिवार का नेतृत्व कर रहा है, समाज का नेतृत्व कर रहा है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि चाहे वो सड़क पे खड़े रहने वाला आम मतदाता हो, जैसे आशुतोष राणा है, वह भी नेता है, और सदन में बैठने वाले हुए जो मतदाताओं के द्वारा चुने गए वो व्यक्ति हो, वे भी नेता हैं। तो सड़क अगर जगी रही तो संसद सजी रहती है, और संसद यदि सजी रही तो सड़क जगी रहती है। तो तात्पर्य यह है कि हम सिर्फ उस नेता को, हम परिधान या सिर्फ उस अवस्था की, ये जो नेता जिसको हम कहते हैं लीडर, लीडर का मतलब होता है लैडर, लैडर यानी सीढ़ी, कि जिससे आप नीचे से ऊपर की यात्रा कर सकें। तो हम और आप सब कहीं ना कहीं नेतृत्व वाली अवस्था के लोग हैं। तो मैं इस चीज़ में अखंड विश्वास करता हूँ कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि चाहे सदन में बैठा हुआ व्यक्ति हो या सड़क पर खड़ा हुआ व्यक्ति हो, इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है। क्योंकि हमको ही तो चुनना है ना, किसको चुनना है, उसको जिससे हमें अपनी इच्छा और अपने कल्याण के लिए कार्य कराने हैं। तो जो चुन रहा है उसको ज़्यादा बुद्धिमान होना पड़ता है, ज़्यादा प्रखर होना पड़ता है उस व्यक्ति से। अगर हम आपसे कहें, आप जिन टीवी चैनल्स के लिए काम कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं आप अगर प्रखर नहीं होंगे, तो आप जिस न्यूज़ चैनल के अंतर्गत काम कर रहे हैं, अगर आप बुद्धिमान नहीं होंगे, यदि आप मजबूत नहीं होंगे, तो वो चैनल कभी भी पुष्पित, पल्लवित और परिष्कृत नहीं होंगे। तो हमारा अपना मानना यही है कि सड़क पे खड़े रहने वाला व्यक्ति भी उतना ही नेतृत्व वाला व्यक्ति होता है जो सदन में बैठने वाला है।
होटल द हेरिटेज कन्वेंशन डीलक्स सुपर डीलक्स रूम क्वीन स्वीट प्रेसिडेंशियल स्वीट बैग डॉर्मेट्री बनाए अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैनेज गार्डन के साथ जहां आपको मिलेंगे एक साथ तीन गार्डन प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट इंडियन फूड इंडियन चाइनीज साउथ इंडियन स्विमिंग पूल विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस हमारा पता है कनेरा देव रोड सागर MP फोन 9302209082